मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे क्यों भाई तमाड़ वालों ऐसी आवाज है आपकी? यहां एनडीए की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस विशाल कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री खीरू महतो जी, श्री श्रवण कुमार जी, विनय कुमार महतो जी, दिलीप सेठ जी, संजीव चौरसिया जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे जदयू एनडीए भाजपा के प्रत्याशी श्री गोपाल कुमार पातर जी, जोर से ताली बजाओ गोपाल जी के लिए। गोपाल आ गया हो यहां भाई, कोई गलती मत करना, गोपाल जी का निशान गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर याद रह जाएगा। जरा जोर से बोलो क्या है, गैस को सिलेंडर देते ही, इस पर वोट देते ही आपका वोट मोदी जी तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया भाई और बहनों? ये चुनाव जो 13 तारीख को आप लोग वोटिंग करने वाले हैं, ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करने वाला चुनाव। झारखंड के अंदर इंडी अलायंस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह कर रख दिया। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमि में इतनी खनिज संपदा है कि झारखंड पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य है, सबसे समृद्ध राज्य। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड सबसे समृद्ध राज्य है परंतु झारखंड का आदमी गरीब, रोजी रोटी के लिए देश भर में मजदूरी करने जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां जो सरकार है वो निकम्मी सरकार। भाइयों बहनों, सिलेंडर पर वोट दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 साल में झारखंड को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे, देश का सबसे समृद्ध। झारखंड के युवाओं को नौकरी के लिए देश भर में नहीं जाना पड़ेगा, झारखंड के युवा को यहीं पर अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप की सेवा करते करते अपना कामकाज मिल जाए, ऐसा झारखंड की रचना हम करेंगे मित्रों, हम करेंगे। और युवाओं, आपको रोजगारी कैसे मिलेगी? ये हेमंत बाबू जो है वो वोट बैंक की लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में घुसा रहे, झारखंड के आदिवासी युवा की नौकरी एक घुसपैठिए खा गए, हमारी झारखंड की बेटियों से वो दूसरी तीसरी चौथी शादी रचाते हैं और उनकी जमीन हप गई।
एक घुसपैठिया हमारी रोटी, हमारी बेटी और हमारी भूमि के लिए खतरा है। झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी खत्म होने को आई है, कम हो रही है। मुझे बताओ तमाड़ वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? तो गैस के सिलेंडर पर वोट दे दीजिए, बटन दबा दीजिए, एक ऐसी सरकार बनेगी, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं पाएगा। और भाइयों बहनों, जो भूमि हमारी बच्चियों की शादी कर हड़प ली है, वो भूमि हम कानून ऐसा लाएंगे कि शादी कर भी ली हो, भूमि वो घुसपैठिए के नाम नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जो जमीन भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, हम पर भरोसा करना, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ये मोदी जी ने देश में नई कार्य संस्कृति पैदा की है। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं कि जितने भी घुसपैठिए झारखंड में घुसे हैं, इनको चुन चुन कर सरहद के इस पार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी केवल एक वोट बैंक है, एक प्रॉपर्टी की बैंक है और एक प्रदर्शन की बैंक है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए आदिवासियों का सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को पूरे देश में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आदिवासी गौरव दिन तमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। अभी अभी झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और हेमंत बाबू, ये तमाड़ की दीवालों पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि तमाड़ में भी गैस का सिलेंडर जीतेगा, आपका हार होने वाला है। भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। जेएसी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका की नौकरियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल के लोगों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और इस लोग पेपर लीक कर भ्रष्टाचार करते रहे। वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लाखों झारखंड के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर वो बच जाएंगे। झारखंड के युवाओं, मैं आज आपको वादा करता हूं, गैस सिलेंडर पर बटन दबाइए, 5 साल में ये पेपर लीक करने वाले सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाइयों बहनों, झारखंड में दिन प्रतिदिन
आदिवासियों की आबादी गिरती जा रही है। मैं आज आपको कहने आया हूं ये आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही। अभी अभी उन्होंने वहां महाराष्ट्र में वादा किया, उलेमाओं को वादा किया कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में दिया है, कर्नाटक में दिया है। भाई मुझे बताओ, मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका? आदिवासी का कटेगा, पिछड़ा समाज का कटेगा, दलितों का कटेगा। क्या आप आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है क्या? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? आप चिंता मत करो, ये राहुल बाबा को जो बोलना है वो बोलने दो। जब तक भाजपा का एक भी विधायक या सांसद है, हम आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है तमाड़ में, हजारों हजारों लोग खड़े हैं, दूर दूर तक खड़े। मुझे बताओ भाई, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो माताएं बहने, आपने देखा है क्या? अभी कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर से 35 करोड़ पकड़ा गया। झारखंड के युवाओं, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये पैसा आपका है जो कांग्रेस और जेएम हजम कर गई। अब उनको लगता है कि पैसा हमारा हो गया। आप चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर को बटन दबा दो। मैं आपको वादा करता हूं, आपकी पाई पाई वापस झारखंड के खजाने में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला किया, 300 करोड़ का भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, 1000 करोड़ का शराब घोटाला किया, और ये अपने आप को सरकार बनाने का दावा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार रही, आपने झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हिसाब लेकर आया हूं। तमाड़ वालों, हिसाब जानना है ना? अरे जोर से बोलो, जानना है ना भाई? तो 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार ने झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया, और मोदी जी ने 10 साल इनके भी हो गए, मोदी जी के भी हो गए, 10 साल में मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने झारखंड के लाखों गरीबों को 30 लाख किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपया, 5 लाख लखपति दीदी बनाए, 34 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज झारखंड सरकार कर रही है, 2,00,000 घरों में शौचालय बनाए, 2,65,00,000 घरों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पहुंचाया, उज्ज्वला के 39,00,000 कनेक्शन दिए,
18 लाख घर बनाए और देवधर में एम्स, देवधर में एयरपोर्ट, रांची में IIIT देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतनी सारी दीदी बहने आई, आपको लगता है कि हेमंत बाबू आपका भला करेंगे? हेमंत जी आपका भला नहीं कर सकते। आप गैस के सिलेंडर पर वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता बहन के बैंक अकाउंट में हर महीने 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम ट्रांसफर कराने का काम करेंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माता बहनों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। और मोदी जी की ओर से दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देने का काम झारखंड की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, 285,000 युवाओं को हम रोजगारी देंगे, इसके साथ पारदर्शी तरीके से रोजगारी लेंगे। युवाओं मुझे बताओ, हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपको बेकारी भत्ता दिया जाएगा, मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? अब चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर पर बटन दबा दो, हर युवा को 2000 रुपया गैस बेकारी का भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी, जेएम, लालू की पार्टी, जब हम धारा 370 हटाने लगे संसद में, वो काऊ काऊ मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा, भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर आपको चिताते हैं, धारा 370 गई तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 गए, 6 साल हो गए, 6 साल खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। और अब ये चुन कर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड शुरू करी कश्मीर में कि धारा 370 वापिस चाहिए। राहुल बाबा, ये तमाड़ की भूमि पर से मैं कहता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियां भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, इन्होंने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भेंट पर चढ़ा, पूरा झारखंड सालों तक नक्सलवाद में डूबा रहा। मोदी जी ही है जिन्होंने झारखंड से नक्सलवादी और नक्सलवाद दोनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने, तमाड़ वालों, आप सबके घर में बिजली है, वो एक बड़ी HT लाइन से आती है, ऊपर होता है ना HT लाइन, हाई टेंशन वाला लाइन, वो सीधा आपके घर में बिजली डाल सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, डाल सकता है? ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? ये मोदी जी ने 4 लाख करोड़ रुपया भेजा, सीधा आपके घर में आ सकता है क्या? आपके लिए विकास पहुंचने के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ये झारखंड की सरकार, हेमंत की सरकार, ये ट्रांसफॉर्मर है, मगर ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब मुझे बताओ,
ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं भाई? अरे जोर से बोलो, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की, भाजपा की, जदयू की सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ इस सरकार को क्या आप बदलेंगे? अरे जोर से बोलो, बदलेंगे? गैस सिलेंडर पर बटन दबाएंगे? हमारे गोपाल कृष्ण पात्र को जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे तमाड़ वालों को धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।